प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है और क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो होती उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है बात बोलू जितना मर्जी ट्राई कर ले दोस्ती और लड़की में ना लड़की ही

और तो मैं फेल हो गया <laughs> फेलर लॉन्च में भीड़ उगती है लेकिन ऑनेस्टली आधे लोग तो भाड़े के होते हैं <laughs> 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 तो, 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 तो वो बड़ा अलग सा वो प्रोसेस था क्योंकि बालों का तो मैं बहुत दीवाना बोलने वाला था मैंने कहा बाल काटो साइलेंसेस विल स्पीक लाउडर देन वर्ड्स इन साउडर स्विमिंग साल भर सीख रहा था मेरे को कुछ भी इनमें से स्क्रैच से ही सब कर रहा था पोर्टफोलियो था नहीं मेरे पास तो जो दोस्तों ने खींची है या दोस्तों के साथ है तो किसी का हाथ यहाँ पे वो क्रॉप करके तो वैसे ही वाली फोटोज भेजी थी उनको लेकिन मजा बहुत आया वेलकम कार्तिक आर्यन और कबीर खान चंदू मतलब मेरे दिमाग में तो पहला सवाल यही आता है कि ग्वालियर में ट्रेलर लॉन्च किया हमने मतलब आई वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट ग्रैंड इवेंट बड़ी गर्मी वहां पे भी थी बड़ी गर्मी यहां पे भी है तो कार्तिक लंगोट मिस कर रहे हैं आप काफी बहुत मिस <laughs> <miss> कर रहा <रहूं>। हूँ <laughs> नहीं यहाँ आके और ज्यादा मिस <laughs> कर रहा <रहूं>। हूँ <laughs> दिल्ली की गर्मी में मिस कर रहा हूँ लंगोट नहीं मैं बहुत देख लिया लंगोट ओके सो वी हैव एक्टर्स वी हैव स्टूडेंट्स हेलो हेलो दे आर रेडी विद देयर क्वेश्चंस तो सबसे पहले तो लेकिन डेढ़ साल आपने इस फिल्म को दिए मतलब मुझे लगता है शायद आपने और भी ज्यादा दिए सो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही कि इतना फोकस जो है कुछ डेढ़ साल मतलब आज की डेट में जहां टाइम स्पैन हमारा थर्टी सेकेंड है हम रील देखते हैं और मतलब अच्छी नहीं लगती तो हम आ, स्क्रॉल कर हैं ठीक है मतलब ऐसे वक्त में जब हम ऐसे कॉन्टेंट की तरफ मूव कर रहे हैं जहां पे हम ऐसे ऐसे डेढ़ साल फोकस किया कैसे और आपने करवाया कैसे दोनों से ये आंसर मैं चाहूंगा आई थिंक डेढ़ साल से डेढ़ साल तो सिर्फ प्रेप प्रेप यस यस दो ढाई साल से तो शायद से प्लानिंग चल रही थी और फिर उसके पहले सर ने ऑफकोर्स और भी प्लानिंग जब uh, हुई होगी लेकिन हाँ ऑलमोस्ट टू इयर्स तक कुछ भी नहीं किया था uh, ये शुरुआत में जब पहली बार कहानी सुनी थी uh, तभी ये पहली दो तीन चीज़ें थी जिसमें एक आई uh, थिंक कि इसमें फिजिक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगी वो बनाना बहुत ज़रूरी था उसके अलावा टाइम टाइम जो इसमें लगने वाला था नॉट जस्ट टू बिल्ड अ बॉडी बट ऑल्सो टू लर्न द स्किल सेट्स मेरे लिए वो बहुत ज़रूरी था कि वो uh, क्योंकि सर बहुत डिटेलिंग में ये चीज़ें करते हैं तो मेरे साथ जो प्लेयर्स होने वाले थे या ओपोनेंट्स होने वाले थे वो सारे uh, या तो ओलम्पियंस थे या तो नेशनल लेवल प्लेयर्स थे तो हर चीज़ में वो बेस्ट uh, लोगों के अगेंस्ट मुझे खड़ा करने वाले थे और, तो वो चीज़ में थोड़ा सा वक्त लगना ही था मतलब बॉक्सिंग सीखा मैं ऑलमोस्ट डेढ़ साल बॉक्सिंग ही सीख रहा था स्विमिंग साल भर सीख रहा था मेरे को कुछ भी इनमें से स्क्रैच से ही सब कर रहा था तो आई थिंक देर वॉज़ नो अदर ऑप्शन बट टू डू दिस कि हाँ इसको इतना टाइम डेडिकेट करना पड़ेगा ऑल्सो ये पहली बार ऐसा हो रहा था कि मैं शूट से पहले जो प्रेप का टाइम है उस टाइम भी मैं कुछ और नहीं कर पा रहा हूँ yes, yes, yes. वो बहुत ज़रूरी एक चीज़ हो गई थी कि जब मैं प्रेप कर रहा था तो मैं दिन में दिन में जिम जाता था सुबह सुबह उठ के फिर उसके बाद जो भी डाइट का खाना खा के फिर थोड़ी देर अपना जो भी लाइफ में हो रहा था लेकिन दोपहर में शाम को बॉक्सिंग और फिर रात को स्विमिंग और फिर बाद में अपना सूप पी के वापस सो जाता था तो ये मेरा बस ऐसे ही चलता रहता था पूरा राउंड द ईयर फॉर ईयर एंड हाफ ये साइकिल चलता रहा एंड uh, तो मैं मेरे पास और कोई टाइम भी नहीं था किसी और चीज़ को करने के लिए उसके अलावा सर डायलेक्ट की चीज़ें कराते थे वर्कशॉप्स कराते थे Uh, जो क्योंकि अगेन ये मेरे लिए बहुत नया था सो आई थिंक ये टाइम इन सब चीज़ों में बहुत यूटिलाइज हुआ एंड एंड तो बट आई हैव नो मतलब ऐसा कुछ उसकी वजह से मेर, मुझे बहुत ज़्यादा रिवॉर्ड ही मिल रहा है हाँ नहीं and, वो ऑब्वियसली वो uh, तो आपने कल एक रील भी डाली थी जिसमें यू आर शर्टलेस तो वैसा तो खैर हम सब चाहते हैं बट <laughs> <पर> उतना डेडिकेशन <laughs> मतलब मैं तो वही देख रहा हूँ वहाँ पे और यहाँ पे मतलब बहुत फर्क है सर तो सर डेढ़ साल मतलब दो ढाई साल फोकस ये तो कर रहे थे बट आपको और भी चीजें पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन हाँ, क्या है कि जो डेढ़ साल दो साल तीन साल इसलिए ऐसे गुजर जाते हैं क्योंकि आप इतनी पैशनेटली इन्वॉल्व होते हैं इसलिए जब हम कहानी चुनते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आ, ऐसी कहानी चुने क्योंकि आपको मालूम है कि ये जर्नी आपकी सालों चलने वाली है तो ये नहीं कि कुछ कहानी लगी अभी अच्छी लग रही दस दिन के बाद आप खुद ही सोच रहे यार ये तो बोरिंग हो गई है तो ये मुरलीकांत पेटकर की कहानी ऐसी थी चाहे इसमें दो साल लगे या छः साल लगे ये कहानी एज अ फिल्म मेकर अंदर से एक आवाज़ थी यार ये कहानी नहीं बनाई तो फिर क्या फ़ायदा इस प्लेटफॉर्म का क्योंकि ट्रूली मतलब अपार्ट फ्रॉम यू नो ऑब्वियसली पब्लिसिटी कर रहे हैं हम फिल्म की मार्केटिंग कर रहे हैं लेकिन ये कहानी एवरी इंडियन नीड्स टू नो दिस स्टोरी बिकॉज ऐसी कहानी अगर हमने नहीं देखी और ऐसे इंसान को अगर हम सही में भूल गए तो आई थिंक इट्स इट्स क्रिमिनल बाकी uh, क्वेश्चन शुरू करते हैं गाइस तो ये ध्यान रखना कि सबसे अच्छा क्वेश्चन जिसका होगा उसके चांसेस होंगे कि सर उसको कहीं पे छोटा मोटा दे दें कुछ मतलब एट चांसेस होंगे बाकी आप अपने रिस्क पे क्वेश्चन पूछिएगा ठीक है हम एडिट भी कर देंगे तो पहला क्वेश्चन हेलो सर आई मिसिज अमिता मोहन फ्रॉम भावरस एक्टर स्टूडियो आई एम लर्निंग एक्टिंग एंड आव डन फ्यू प्रोजेक्ट्स ऑल्सो आई हैव अ क्वेश्चन फॉर यू सर मेरे सपनों की रानी ये वाला गाना सुन के आपको कुछ ओल्ड मेमोरीज याद आती है अपने चौपर से इस इस गाने ने मुझे मेरी जिंदगी बचाई थी बचाई थी तो आ, लोग मुझसे पूछते हैं कि आप आप क्यों बड़े पर्दे की तरफ आए डॉक्यूमेंट्री हाँ छोड़ के क्योंकि बॉलीवुड ने मेरी जिंदगी बचाई थी ये अफगानिस्तान का किस्सा है मैं और मेरे दोस्त जो हैं जो अभी भी मेरे प्रोड्यूसर हैं राजन कपूर हम दोनों डॉक्यूमेंट्री बना रहे थे अफगानिस्तान में और हम बहुत कोशिश करने के बाद एक रशियन हेलीकॉप्टर के पायलट को हमने ब्राइब करके हम गए थे ताजिकिस्तान से और उसने काबुल के बाहर हेलीकॉप्टर नीचे करा पहाड़ों में और बोला से कूद जाओ yeah. तो लिटली 20 फुट से नीचे <laughs> कूदे हम और हेलीकॉप्टर निकल गई हमें पता नहीं हम कहाँ हैं हर तरफ पहाड़ और बर्फ़ और एक इंसान हमारी तरफ आ रहा था हमने सोचा था वो कोई कहानी ख़त्म उसके हाथ में बंदूक थी कलाशनी को हमने सोचा था कि ये मार देगा किसी को पता भी नहीं चले किसी को पता ही नहीं था हम उस हेलीकॉप्टर में आ गए हैं अफगानिस्तान और वो आया बस हमें इतना पता था इन लोगों को हिंदुस्तान से बहुत मोहब्बत है तो so, हम बोलने लगे हिंदुस्तान हिंदुस्तान जो आया है वो वॉज क्लॉकिंग इज इज़ सडनली उसने जब सुना हिंदुस्तान वो रुका स्माइल किया और गाना गाना शुरू किया उसने मेरे सपनों की रानी कब आएगी तो ये अच्छा। अच्छा। असर है हमारी फिल्मों पर थैंक यू सर थैंक यू वेरी मच प्लीज गो एट हाई सर माई नेम इज रविराज रोशन आई एम ऑल्सो फ्राम एक्टिंग स्टूडियो So I have a question for you. Uh, so when you were in Mumbai, uh, so how were you handling both uh, like college life also and auditions as well? Because me being a working professional, I am also handling both because I have worked into like many uh, like you know like uh, the, like the projects. So how were you handling both the? Oh, uh, पहले तो ऐसा कुछ हैंडल करने की ज़रूरत नहीं थी काम ही नहीं था. <laughs> तो जितना था वो अपना कॉलेज के ही काम संभाल रहा था uh, पढ़ाई लिखाई. But uh, मैं उस टाइम ना जब मेरा सिलेक्शन हुआ था प्यार का पंचनामा वन में तो उस टाइम मैं फेसबुक पे और गूगल पे या जो भी उस टाइम थे तो एक्चुअली मैं फेसबुक मेनली यूज करता था क्योंकि उसमें बहुत कास्टिंग ग्रुप्स ने आ, ऐसे कास्टिंग एजेंट्स थे उन्होंने ग्रुप्स बना रखे थे जिसमें वो आ, एड्रेस लिख देते थे और उसके बारे में लिख देते थे कि वे ऑडिशनिंग फॉर फलाना फलाना चीज और आप यहाँ पे ऑडिशन दे सकते हो एंड स्टफ लाइक दैट तो वो मैं ढूंढता रहता था फेसबुक पे हमेशा एंड uh, क्योंकि किसी को जानता नहीं था तो मेरे पास सिर्फ ये इंटरनेट था जिसके थ्रू मुझे कुछ कुछ इन्फॉमेशन मिल सकती थी एंड uh, नवी मुंबई आते ही मैंने सीधा बस ये काम मैं संभालता था कि ऑडिशन का पता लग जाए और कई बार ऐसा होता था फिल्मों के तो ऑडिशन का होता ही नहीं था पता वो तो ऐसा था कि मेरेकल हो जाए कभी तो, तो मिल जाता था लेकिन हमेशा या तो एड्स या तो छोटी छोटी कुछ चीज़ें होती थी Uh, तो उसमें बहुत एक डेढ़ साल बाद मेरे को फाइनली ये फिल्म का ऑडिशन का पता लगा था फेसबुक uh, में जिसमें लिखा था कि वी आर लुकिंग फॉर दिस सिक्स पीपल बेसिकली उसमें छः लोगों की कास्टिंग हो रही थी थ्री गर्ल्स थ्री बॉयज एंड तो सबका डिस्क्रिप्शन भी था तो मैंने बस उसमें ऐसी मस्ती में मैंने लिख दिया था आई एम द यू आर लुकिंग फॉर और मैंने कुछ फोटोज जो अटैच की थी वो वाली फोटोज़ थी पोर्टफोलियो था नहीं मेरे पास तो जो दोस्तों ने खींची है या दोस्तों के साथ है तो किसी का हाथ यहाँ पे वो क्रॉप करके तो किसी ने हाथ रखा था कंधे पे तो वो हाथ है लेकिन फ़ोटो मेरी है तो वैसे ही वाली फ़ोटोज़ भेजी थी उनको तो आई डोंट नो उनको दे गॉड अम्यूज़्ड या क्या था उन्होंने मुझे ऑडिशन के लिए बुला लिया और एंड uh, देन फिर वो छः महीने तक कहानी चलती रही तब मेरा बस थोड़ा सा ये होता था कि मुझे पता नहीं था कि ऑडिशन क्रैक होगा या मेरी पढ़ाई छूटेगी आ, बट मैं करता रहा वो चीज़ मैं मतलब मैं एडवाइज़ नहीं करूँगा कि ऐसे पढ़ाई छोड़ के आप ये करते रहो लेकिन मेरा एक्चुअली में ड्रीम वही था मैं आया भी यहाँ पर इसीलिए था नवी मुंबई मुंबई में ताकि मैं मुंबई में रहूँ उसके पास रहूं जहाँ पर बहुत कुछ यहाँ पे हिंदी फिल्म या फिल्म इंडस्ट्री जहाँ पे तो वो जैसे तैसे मैनेज किया बट मैंने बहुत गलत तरीके से मैनेज किया था मेरा एग्ज़म्पल इतना सही नहीं है कि वो आप फॉलो करो क्योंकि हर किसी का तरीका मतलब वो जो मुझ पर अप्लाई हुआ वो शायद आप पे अप्लाई ना हो आ, लेकिन मेरा ये ज़रूर था कि मैं सेल्फ़ बिलीफ हमेशा रखा कि कुछ ना कुछ करके हो जाएगा मतलब और वो सेल्फ डाउट रिजेक्शन से डाउट कभी भी अपने ऊपर नहीं किया मैं हमेशा सोचता था इनका लॉस है ये सैड होता था बट सामने वाले को सोचता था इसकी इसको नहीं समझ आया तो, तो ये था आ, और बस हाँ ये लेकिन वो थोड़ा थोड़ा मैनेज करता रहा पढ़ाई मेरे वहाँ पे कॉलेज में एक चीज़ अच्छी थी कि वो अटेंडेंस का वहाँ पे रूल नहीं था तो मैं वहाँ बच जाता था तो मेरे कॉलेज में मुझे एक्चुअली मैं टीचर भी वो उस टाइम मुझे कुछ तो ऐसे ही बुलाती थी हीरो हीरो बुलाती थी कि और उनको पता था कि मैं ऑडिशन देने जाता था तो हीरो है मतलब ये मैं एकदम आउट ऑफ टॉपिक बोल रहा हूँ लेकिन जब मैं एक बार एक वाइवा देने आया था बहुत लेट हो गया था तो वाइवा जब दे रहा था तो उन्होंने मैं लेट हो गया था मतलब अगर सुबह 11 बजे का वायवा एग्जाम है तो दो बजे वो स्टाफ रूम में थी और मैं मैम प्लीज मेरे को पास कर दो तो मेरे मम्मी पापा को पता चल जाएगा कि मैंने मैं एग्जाम देने नहीं आया तो उन्होंने वायवा में पूछा कि मेरा नाम बताओ मैं तुम्हें पास कर दूंगी <laughs> <laughs> और मैं फेल हो गया <laughs> <laughs> तो ये सब बड़े अजीब से एग्जाम्पल हैं बट इट वर्क वो प्यार का बजना ऑडिशन क्रैक नहीं होता तो शायद वर्क नहीं करता मुझे नहीं पता लेकिन शायद कई बार आपको राइट right प्लेस पे राइट right टाइम पे या डेस्टिनी में लिखा भी होता है ऑल यू कैन डू इज वर्क हार्ड टूवर्ड्स योर ड्रीम एंड सब कुछ मैनेज हो जाता है इवेंचुअली हम सब मेहनत कर रहे हैं पूरा दिन रात hmm. कुछ ना कुछ कोई डबल शिफ्ट कर रहा है कोई नाइट शिफ्ट कर रहा है कोई दिन में लेकिन अगर आप हार्डवर्क छोड़ दोगे तो शायद वो मैनेज कुछ भी नहीं होगा तो वही सबसे एक जरूरी चीज है एकदिक तो तो मतलब, <laughs> मतलब तो, तो आप दोनों से ये सवाल रहेगा ग्वालियर में लॉन्च द ट्रेलर इन स्टेडियम बहुत ग्रैंड तरीके से मतलब जिस शहर से कार्तिक हैं वो पूरा शहर वहाँ पे आया टू देयर हीरो आपके पापा भी थे वो तो वो आइडिया किसका था कि ग्वालियर जाके हम लॉन्च करेंगे कहाँ से वो स्टार्ट हुआ थॉट वो ऑनेस्टली हम लोग एक्चुअली मार्केटिंग मीटिंग्स करते रहते हैं तो हम लोग सोच रहे थे कि कहाँ करें ट्रेलर लॉन्च क्योंकि हम बहुत खुश थे ट्रेलर से फिल्म से भी बहुत खुश हैं तो हमने बोला यार इसको थोड़ा सा एक फिर वो नॉर्मल आइडिया जो आते हैं कुछ बड़ी जगह कर लेते हैं कोई आइकॉनिक जगह कर लेते हैं और ऐसी एक बातचीत में कार्तिक नेहता ने बोला ग्वालियर

हम लोग देखिए जब बॉम्बे में करते हैं ना तो ट्रेलर लॉन्च में भीड़ होती है लेकिन ऑनेस्टली आधे लोग तो भाड़े के होते हैं टी <laughs> तो, तो तो शर्ट देते हैं वो चिल्लाते रहते हैं लेकिन ग्वालियर में स्टेडियम में हजारों लड़के आके वहां से चिल्ला रहे हैं कार्तिक भैया कार्तिक उसका मजा ही अलग था कार्तिक वो मोमेंट कैसा था जब स्टेज पे थे बट आई हैव सीन दैट कि मतलब जब खत्म हुआ वो तो लोग एकदम भीड़ जो है वो आपकी तरफ आ गई कहीं ना कहीं एक एक उस वक्त सिक्योरिटी थ्रेट भी लगता है कि यार मतलब इतने सारे लोग जो हैं वो एक साथ आ रहे हैं तो व्हाट वाज दैट मोमेंट मतलब कैसा फील कैसा हुआ कि हाँ ना क्योंकि अब अपने शहर के बीच में अपने लोगों के बीच में ऐसे बहुत मोमेंट्स हुए हैं मेरे लाइफ में लेकिन ये बहुत स्पेशल था क्योंकि ये मेरे शहर में हो रहा था और वहाँ पर मैं वहाँ पर स्टेज पर भी मैंने यही बात बोली थी कि मैंने ड्रीम किया था यहाँ पे एक्टर एक्टर बनने का सपना मैंने इस शहर में सोचा था Uh, तो वहीं पे जब ये अपने लोगों के बीच में ये चीज़ हो रही थी uh, तो आई थिंक लाइफ वो फुल सर्कल की तरह मेरे अंदर रिवॉल्व कर रही थी और मेरे दिमाग में यही चल रहा था तो बहुत सारे इमोशंस uh, आ रहे थे बिकॉज आई नेवर इमेजिन कि ये दिन ऐसा दिन आएगा तो वो मेरे लिए मतलब बहुत एक स्पेशल मेमरी uh, आज भी बन के रह गया एंड स्पेशली टू सी पापा को देखना वहाँ पे कि ही वॉज़ सो हैप्पी एंड वो जनरली इतना यू नो एक्सप्रेस नहीं करते hmm. चीज़ें बट उस दिन वो बहुत ज़्यादा इमोशनल थे बिकॉज uh, उनके अपने लोग वहाँ पे थे फैमिली थी फ्रेंड्स थे और ही कुछ सी कि उनके शहर में uh, उनके uh, बेटे की फिल्म का लॉन्च हो रहा ट्रेलर तो विच वॉज वेरी इमोशनल फॉर द इंटायर फैमिली ऑल्सो एंड एंड आई इन्जॉयड मतलब वहाँ पे एक पॉइंट था जहाँ पे मुझे एकदम मना कर दिया था कि वहाँ पे मत जाना वहाँ पे बहुत भीड़ है hmm. वहाँ अंदर गए तो बाहर ही नहीं आ पाओगे ये सब लेकिन मैं एक्चुअली जेनुनली मैं तो चला गया वहाँ <laughs> क्योंकि मुझे बहुत एक्चुअली लग रहा था कि मैं इन लोगों की हाँ नहीं और उनको मिलने का मन भी बहुत कर रहा था क्योंकि आ, बहुत कम ऐसे मौके भी आते हैं एंड उनके लिए भी और मेरे लिए भी वो उतना ही स्पेशल मोमेंट था तो अरे मैम हम लोग कार से भी जब निकल रहे थे <laughs> वो बहुत अलग ही माहौल था बट but it was all worth it all worth मतलब कार्तिक के पापा से हम लोगों ने भी वहाँ बड़ी देर बात की तो बहुत बिल्कुल जैसे मतलब कोई बच्चा फर्स्ट आ जाता है या मतलब ऐसे <laughs> ही मतलब बिल्कुल ऐसा था कि जैसे अब मान लो ध्वनि है ध्वनि अगर मान लो <laughs> 90% मार्क्स ले आई उम्मीद 70 की थी तो पापा जरा खुश होंगे ना तो लग नहीं रहा था काटते का इनके पापा हैं ही इज ऑलरेडी अ स्टार बट वो इतने खुश थे कि मतलब

आधी में तो गला बैठा <laughs> दो लाइन सुना बस दो प्रॉब्लम यह है कि वो लड़की है और क्या प्रॉब्लम है प्रॉब्लम यह मैं चाहता हूं मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो लेकिन अगर मेरी लाइफ में होती उसकी लाइफ की बिकॉज इज इन एक्टली वॉट यू वॉन्ट सीरियसली यार आजकल तो जब वो मुंह खोलती मन करता है मुंह में कुछ ठूस दू ट्रस्ट मी छ महीने में इट ऑल सब देख मैंने अभी कौन सा प्यार कैसी रिलेशनशिप का रिलेशनशिप का मतलब होता है लास्ट वाला, लास्ट, लास्ट तो happy <laughs> सर, <laughs> तो गजब है, सर, करेंगे करेंगे? नहीं ये ये घर पे। बता दीजिए, हैप्पी बिकॉज आप जो करना चाहते हैं जिस काम के लिए आप में इतना जज्बा और पैशन है आप कर रहे हैं उसके लिए आप आपको लोग पैसे भी दे रहे सबसे इंपॉर्टेंट नेक्स्ट हाय कबीर सर हाय कार्तिक सो आई एम दी फाउंडर ऑफ भावरस एक्टर स्टूडियो एंड आई एम फ्रॉम विस्लिंग विद्स इंटरनेशनल सो वेरी लेस पीपल नो दैट यू हैव आल्सो वर्क विद सुभाष गई सर इन कांची सो उन्होंने उस टाइम में ही बहुत तारीफ़ आपकी की थी वन आई वाज दैर सो कार्तिक माय क्वेश्चन इज वेरी सिंपल बट कि आपने uh, बताया था कि प्यार का पंचनामा वन के बाद जब आपने टू भी की तब भी आप ऑडिशन लाइन्स में खड़े होते थे और लोग आपको तब भी नहीं जानते थे एंड नाउ टूड सो गुड फॉर योर सेल्फ एंड वी ऑल आर प्राउड ऑफ यू तो पर आपने एक चीज़ और बोलती है कि अभी भी कोई फैन अगर मेरे साथ फोटो खिंचाता ना तो मुझे अभी भी डर लगता है कि एक सक्सेस कितना लंबा चलेगा तो ये अभी भी है डर या अब टच वाइन नहीं आई थिंक एक वो जहाँ से मैं जैसे आता हूँ ना मेरे फैमिली में भी और मेरे अंदर भी खुद वो एक डर ना पता नहीं वो फियरलेसनेस एक अलग होती है अपने करियर में आ, बट एक इस चीज़ का टेम्प्रेरी होना वो उसकी रियलिटी आई थिंक हमें होती है तो वो शायद से मम्मी पापा ने बचपन से ये आ, किसी भी लाइन में भी ये सिखाया लेकिन इस लाइन में स्पेशली जब मैं आया और जब मैंने उनको बताया तो पहली चीज़ उनका यही डर था कि ये हर चीज़ इधर पे टेम्प्रेरी है तो वो आ, वो मेरे लिए भी दिमाग में बस वो पत्थर की लकीर की तरह वो है कि ये इससे ज़्यादा उड़ना मत और इससे ज़्यादा नाराज़ भी मत होना कि तो बिकॉज वो सक्सेस फेलियर्स आते रहेंगे एंड एंड आई थिंक शायद कभी ऐसा आई होप कभी ऐसा टाइम ना आए लेकिन जितना मैं इसको और बढ़ा सकता हूँ जितना जितना प्यार जो मेरे को फ़ैंस से मिलता है वो और भी ज़्यादा बढ़ाता रहूँ बस यही मेरी उम्मीद रहती है बट हाँ वो एक थोड़ा सा रहता है कि आज ये हो रहा है कल शायद नहीं होगा लेकिन अभी मैं इन्जॉय कर रहा हूँ

चंदू योच प्योर गट इंस्टिंक्ट ये लोग ना हम लोग कभी कभी ज्यादा ये फिल्म मेकिंग प्रोसेस को इंटेलेक्चुअलाइज कर देते हैं और बोलने में कि ये हो, कुछ नहीं गट इंस्टिंग होता है अल्टीमेटली हर चीज डिसीजन एक डायरेक्टर लेता है इट्स गट इंस्टिंक्ट मुझे अच्छी लग रही है मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं क्या मैं इस कहानी को नहीं भूल पा रहा हूँ ये इट्स ऑलवेज़ दैट और फिर उसके बाद आप उसको एक बार ही आपको लगा कि, कि देखिए हम हर चीज़ को ना एज अ ऑडियंस ही अप्रोच करते हैं फिल्म मेकर भी ऑडियंस ही होता है हम भी वही फिल्म बनाते हैं जो हम देखना चाहते हैं क्योंकि हम किसी और के लिए नहीं बना सकते हम किसी और को जानते नहीं है आप सिर्फ अपने आप को जानते हैं तो आप अपने लिए बनाइए फिल्म एंड सो एवरीथिंग हैज़ टू बी आपका जो एक्सपीरियंस होता है आपके जो एस्थेटिक्स हैं सेंसिबिलिटी है उसको ये अच्छी लग रही है या नहीं लग रही सो इट्स ऑलवेज गट इंस्टिंक्ट एंड दूस आर ऑलवेज बेस्ट डिसीशंस नेक्स्ट चंदू पे जो अच्छा सवाल करेगा उसके लिए गिफ्ट हाँ। है हमारे पास हाँ। तो बाद में बताऊंगा हेलो सर सर माय नेम इज आई आई एम फ्रॉम स्टूडियो बाकियों को भी पूछने कार्तिक वांट टू रिलीज शूटिंग प्रोसेस तो शूट के टाइम पे मिला था मैं उनको और एंड एंड वो उसका एक स्पेशली सर ने भी ये चीज़ आई थिंक शुरुआत से मैंशन कर रखी थी बिकॉज ही हैड स्पेंड अ लॉड ऑफ टाइम विथ मुरली जी तो ही डेंट वॉन्ट कि मैं कुछ एम्बाइब एम्बाइब करूँ कि कैसे चलना है कैसे दिखना है एंड ऑल्सो मोर इम्पोर्टेंटली ना जो हम दिखा रहे हैं देखिए मुरलिकांत पेटकर जी ऐसे हीरो हैं जिनके बारे में हम कुछ नहीं जानते हैं नहीं। uh, तो आप गूगल भी करेंगे तो तस्वीरें नहीं हैं और जिस दौर की कहानी है उसका तो कोई भी इमेज नहीं है तो आप मिलेंगे एक इंसान से जो अब 80 साल के हो चुके हैं ठीक है तो एक अलग इमेज है तो वो आप ज़्यादा कोशिश करोगे अच्छा ये दिखते कैसे हैं इनकी दाढ़ी है या मुछी है या बाल कैसे हैं तो मैंने इसलिए कार्तिक को बोला था आप उनके साथ मत मिलो मैं बैठ के क्यों, मैंने तो बहुत टाइम उनके साथ बिताया तो पूरी एक जो दिमाग में एक एक छवि बन गई थी उनकी आ, और वो मैंने बोला मैं आपको ट्रांसलेट करके बताऊंगा यू हैव टू फॉलो माय विजन ऑफ मुरलीकांत पेटकर क्योंकि कोई एस्टैब्लिश विजन है ही नहीं उनकी हम जानते ही नहीं है इस फिल्म के बाद

हर एक फ्रेम में यू लुकिंग कन्विंसिंग मैंने उनको शायद उस दिन भी बोला था मैंने कहा सर वो बूढ़ा कार्त्य कारण जो है वो भी जो है वो मतलब सेक्सी लग रहा है <laughs> तो वो वो सरप्राइज पैकेज है हाँ, 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 पिक्चर में तो, हाँ, तो वो सब जो है हाँ, उस प्रोसेस के बारे में बताइए कि हाउ आई थिंक वो प्रोसेस अगेन मैं कबीर सर के बारे में ये पहले भी बोल चुका हूँ कि इनका बहुत डिटेल्ड प्रोसेस रहा है इनकी वजह से ये सारी चीजें थोड़ी सीमलेस लगती है और बहुत आसानी से बहुत अजीब भी दिख सकता है ये सब तो मैंने कभी इतना प्रोस्थेटिक्स या ये चीज़ें ऐसे यूज़ नहीं किया था या हम लोगों ने मैंने कभी इतना टाइम भी किसी फिल्म को नहीं दिया था आई थिंक वो टाइम बहुत वैल्यूएबल था इस पूरे प्रोसेस के लिए भी कि जिसमें हमने छः छः घंटा आई थिंक प्रोस्थेटिक के या पूरा पूरा दिन दिया है पहले तो जब मेरा एक मोल्ड बनाया गया था जिसमें मेरे फेस का पूरा स्ट्रक्चर लिया गया था उसको फिर वो हमारी जो प्रोस्थेटिक टीम थी प्रीतिशील की उन्होंने उसका पूरा मोल्ड से वो मेरा एक फेस स्ट्रक्चर बनाया है आ, हर तरीके का वो बुढ़ापे में कैसा दिखेगा क्या करेगा तो आई थिंक बहुत सारे सर ने भी आई थिंक बहुत सारे फोटोज़ और बहुत सारी चीज़ों पर रिसर्च किया और कि ये लुक करेक्ट uh, बैठेगा एंड या सो आई वॉज ऑल्सो अमेज कि ये ऐसा हो सकता है और मैं भी अपने आप को सोचने लगा था अच्छा मैं बुढ़ापे में ऐसा दिखने वाला हूँ <laughs> ये वाली भी चीजें आई थी hmm. लेकिन ये वन ऑफ लुक्स है जर्नी hmm. uh, yes. तो वो बचपन से लेकर इस उम्र तक वो पूरी जो जर्नी है उसमें अलग अलग लुक अलग अलग टाइम पे आप मुरलीकांत जी को देखते हैं एंड विच वॉज रियली न्यू फॉर मी एंड आई वॉज रियली एंटायर टीम जो इस चीज़ को बहुत एस्थेटिकल एस्थेटिक्स के मामले में करेक्ट तरीके से देख रही थी और और वो शैबी होने के बहुत चांसेस yes, थे जो नहीं हुआ टच छोड़ तो सर वो आपके लिए सबसे टफ कौन सा रहा बिकॉज जो कार्तिक ने कहा कि शैबी होने के चांसेस वो बड़ी थिन लाइन होती है कि मतलब या तो अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा तो वो बड़ा खराब तो देखिए मेरा एक्चुअली अप्रोच ना अच्छा बुरा नहीं होता है मेरा अप्रोच होता है करेक्ट है या इनकरेक्ट है तो आई ऑलवेज बिलीव एक्टर शुड नॉट लुक गुड ही शुड लुक करेक्ट फॉर द रोल तो वो एक नज़रिया आपने अगर ले लिया कि हमें इस किस्म का एक कैरेक्टर चाहिए यू नो बुढ़ापे में इनकी ऐसी एक पर्सनालिटी है हाउ कैन वी कन्वे दैट पर्सनालिटी इन जस्ट इन अ इमेज तो उसका एक हम पाँच छः सात आठ ऑप्शन देखते हैं और लगता है कि यार ये लुक में ना इनकी पर्सनालिटी उभर के आ रही है तो वो एस्टैब्लिश कर लिया बचपन की एक लुक हुई जवानी की एक लुक हुई तो वो वो ये कि ये जो कैरेक्टर का जो एक सोल होता है ना वो किस लुक में दिख रहा है एंड दैट्स तो ये बड़ी अच्छी टिप्स भी एक्टर्स के लिए है कि एक्टर शूट लुक करेक्ट अरे मेरे पहले काफी लंबे बाल थे जब हम शूट कर रहे थे बीच में अचानक से इन्होंने बोला कि बाल ही काटने अब तो, तो, तो वो बड़ा अलग सा वो प्रोसेस था क्योंकि बालों का तो मैं बहुत Uh, मतलब दीवाना हाँ। था मैं लेकिन हाँ, बा, बाल दिक... और मोनोलॉग फॉर दैट मैंने कहा बाल काटो हाँ। लोगों के बाल नहीं है परेशान है और आपने कटवा उनके अच्छे <laughs> हेलो हेलो आई फ्रॉम टी टी सीरीज सीरीज जी आप को तो मैं <laughs> 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 टी सीरीज वालों ने भी गाड़ी दी थी पिछले फिल्म बहुत तो क्या आपकी लाइफ में चुकी है क्योंकि बॉलीवुड में शादियों का माहौल है इस वक्त बच जाओगे मुझे चंदू चैंपियन के चलते ना कोई वक्त ही नहीं मिल पाया कि ऐसी अपनी पर्सनल लाइफ में ध्यान देने का आ, मैं अपनी पर्सनैलिटी पे ध्यान दे रहा था पूरी तरह से तो ये दो साल तो मैं बिल्कुल ही मतलब 100 प्रतिशत तब से सिंगल ही हूँ अब कम सिंगल हो गया आप कम मैं <laughs> <laughs> अभी वो तो अभी पहले पिक्चर रिलीज हो जाए फिर उस अभी <laughs> सोचने का टाइम नहीं फिर फिर नहीं मैं सोचने का टाइम मिले थोड़ा <laughs> जी। अगला कोई भी पूछ लो यार तुम बॉडी के ट्रांसफॉर्मेशन के लिए फॉर अचीविंग दैट पर्टिकुलर बॉडी ऑफ एन एथलीट आपको क्या क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े आई बिलीव आपको शुगर कट डाउन करना पड़ा एंड uh, काफी शुगरी क्रेविंग्स जो होते हैं नॉर्मली लोगों को कैसे I mean, you, uh, बहुत बहुत सारी सिर्फ शुगर नहीं आई थिंक काब्स बर्गर्स पिज्जाज आइसक्रीम चॉकलेट मैं हर चीज़ खाता था इससे पहले मैंने एक फिल्म की थी फ्रेडी इससे जस्ट yes. पहले dentist और हाँ डेंटिस्ट बना था उसमें और उसमें मैंने बहुत वेट गेन किया था तो तब मेरे खाने की थोड़ी हैबिट्स ख़राब भी हो गई थी क्योंकि उसमें तो जेनुनली खाना ही था तो वो मेरी आदत इतनी बिगड़ी कि मैं उसको सुधार नहीं पा रहा था एंड देन जब चंदू चैम्पियन फिल्म आई तो आई थिंक मैं उस टाइम थर्टी नाइन फोर्टी परसेंट के अराउंड फैट परसेंटेज पे था uh, तो वो पहला सवाल था कि ये कैसे इसको हम ट्वेल्व uh, थर्टीन या फोटी वो वाले परसेंटेज तक लेकर जाएं इस फैट को बिकॉज वो एथलेटिक फ्रेम चाहिए था एथलेटिक बॉडी चाहिए थी एंड एंड uh, तो उसके लिए मुझे पूरा वो एक डेढ़ साल डेढ़ साल पूरा लगा जिसमें Uh, खाना पूरी तरह से कट हो गया था जो मैं नेचुरली जो खाता रहता था आई थिंक uh, उस रोटी चावल ऑयल uh, ओल, ऑयली फूड या कुछ भी अगर है तो वो हर चीज़ हटा दी गई शुगर पूरी तरह से हटा दिया uh, शुरू में तो विड्रॉल सिम्टम आते थे होते थे मेरे को कि uh, कुछ क्रेविंग होती थी मुझे कि मैं खा लूँ ये वो तो एक आध महीना लगा मुझे उस स्पेस में आने के लिए कि हाँ धीरे 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 एंड नेक्स्ट टू देन फाइनली कि पूरी तरह से कट एंड देन इवेंचुअली आई थिंक वंस द रिज़ल्ट एक वो अप वो होने लगा अपेयर होने लगा सामने तो थोड़ा और मोटिवेट होता रहा मैं एंड विथ बॉक्सिंग स्विमिंग रेस्लिंग या इतनी सारी फंक्शनल ट्रेनिंग आई थिंक इनके चलते ये सारा फूड का भी जो डाइट हुआ इसकी वजह से आई थिंक वो बॉडी स्ट्रक्चर वाप उस उस फॉर्म में आने लगा एंड फाइनली uh, हम लोग मतलब बारह तेरह नहीं फाइनल जो हमारा परसेंटेज गया था वो सात परसेंट पर गया था फैट का प्पी इनफैक्ट uh, uh, I mean, I was, I was really मैं ये एक ये फोटो सर ने एक रेफरेंस रखा होता तो ये वॉलपेपर रखा रखा था फाइट uh, क्लब का था ये ब्राइड ब्रैड का दैन जब फाइनली जब मैं उस परसेंटेज पे आया था तो मैं सर को मुझे याद है मैं फोटो भेजी व्हाट्सएप पे फोटो भेजी थी स्प्लिट स्क्रीन सर हो गया <laughs> हो गया <laughs>

एक तो उसके बहुत हार्मफुल साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं और बहुत हम लोग एडमेंटते हैं कि ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है आ, दूसरी बात यह है कि वो एथलेटिक एक नेचर एक बॉडी वो दिखना कि और और जब भी कोई वो फिल्म भी देखे तो आप जब देखो भी तो आपको समझेगा यार ये मैं मैं भी अचीव कर सकता हूँ अगर मैं इसको सही टाइम दूँ डाइट करूँ और प्रॉपर एक्सरसाइज करूँ सो so, आई थिंक वो एक बहुत अच्छा आई थिंक

सर uh, जब से फ्रॉम डे वन जिस दिन हम पहली बार नरेशन के लिए भी मिले थे uh, इनका इतना हर चीज़ का इतना पीछे लॉजिक होता है डिटेल होता है कि वो एक्चुअली में मुझे लगने लगा कि जो भी ये बोले मैं बस उसको फॉलो करता रहूँ तो uh, ये मुझे जेन्यनली फ्रॉम इवन फ्राम द एक्टिंग परस्पेक्टिव टू द बॉडी बिल्डिंग परस्पेक्टिव वो एक मोटिवेशनल या इंस्परेशनल फिगर की तरह पूरी फिल्म में ये चलते रहे वहाँ पर और इनकी वजह से मैं उतना एक टीचर होता है ना कि वो uh, हर तरीके से आपके पीछे पड़े रहे uh, वे ये वैसे टीचर थे मेरे लिए कि, uh, कि ये खाना वो न्यूट्रिशन वाला खा रहा है कि नहीं ये सही टाइम पर मेरा स्लीप पैटर्न पूरा चेंज हो चुका था कि मैं आठ घंटा अर्ली टू राइज अर्ली टू बेड वो फॉलो कर रहा था हर चीज़ की डिटेल रिपोर्ट इन तक जा रही थी तो आई थिंक ही वॉज़ कीपिंग अ चेक ऑन मी विच आई रियली इंजॉयड दैट प्रोसेस क्योंकि उससे दिखता है कि कितना uh, कितने पैशनेट मेकर हैं ये कि अपने कैरेक्टर के लिए ये इस लेवल तक डिटेलिंग uh, कर रहे हैं तो मुझे कुछ ऐसा uh,

सर एक्शन एक्शन बोल दीजिए जरा अच्छा ठीक कैमरा रोल कर रहे हैं ना हां हां रोलिंग या एंड एक्शन स्वीटी तू जितने भी घोड़े खोल ले आज तेरी डोली नहीं उठने वाली एक बात बोलूं जितना मर्जी ट्राई कर ले दोस्ती और लड़की में ना लड़की ही जीतती है खट्टर <laughs> सर वैसे दोस्ती और लड़की में कौन जीतती है अगर अपना डायलॉग याद कर रहा था फिल्म से क्या होगा

<laughs> जो आपकी फिल्म है तो जाहिर है भरोसा बहुत ज्यादा है और तो कार्तिक की मेहनत पर तो है ही तो थैंक यू सो मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट लुकिंग फॉरवर्ड एंड थैंक यू सो मच गाइस थैंक यू थैंक यू थैंक यू सो मच थैंक यू थैंक यू